हेलो आदाब नमस्कार गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल वेलकम टू एसके आटा पेंटिंग क्लास है। एसके आटा पेंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग बिना बताए हुए लाइव आ गए हैं। अचानक मूड किया कि आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आए और इस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे इन्फॉर्मेशन को लेकर के कि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी। बार बार मैसेज करते थे कि सर पीओपी क्या होता है, चौक मिट्टी क्या होता है, मार्बल पाउडर क्या होता है, फ्रेंच पाउडर क्या होता है। तो आज जितने भी ये पाउडर हमको मिले हैं अभी वो सब का जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ओके, इसके फीचर के बारे में, इसके वर्क के बारे में। ओके, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ओके, और आप लोग के कमेंट्स अभी नहीं आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ कीजिए। उसको आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, आई नहीं रहे। वैसे लोग तो देख तो रहे हैं बट कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट नहीं आ रहा है तो हम आप लोग का रिप्लाई कैसे करेंगे, ये भी गड़बड़ वाली बातें हैं ना। तो देखेंगे कि आज हमारा बैकग्राउंड भी चेंज है और हाँ, ये संध्या शर्मा जी वेलकम, कैसे हैं आप? अरे हमारी मैं क्या बताऊं, एक महीना से हमारा थोड़ा सा वो तबीयत ठीक नहीं चल पा रहा है ना। वो कभी ठीक हो जाता है, कभी खराब हो जाता है और उसी को देखते हुए हम ये थोड़ा सा लाइव कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। बट हम आप लोग के लिए हम आ चुके हैं लाइव और आज जो बताने वाले हैं ये जितने भी ये जो हमारे सामने पाउडर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारा शर्ट और जो हमारा बैकग्राउंड है ना मैचिंग में जा रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो कलर है ना ये हमको ज्यादा पसंद है। ये जो कलर है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इसी कलर का बैकग्राउंड हमने बनाया है और ये सब बैकग्राउंड हमने आपके सामने ही बनाया था, है ना। नहीं नहीं, मैंने इसके ऊपर में कुछ भी नहीं रखा। ओके, इसके ऊपर जो हमने एक्रिलिक पेंट एमल्सन से जो मैंने किया था वही वाला है। ओके, हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अगर इसमें अगर हम वार्निश अगर करते ना तो इसमें शाइनिंग आता। ओके, इसमें शाइनिंग आता तो इसलिए हम इसमें वार्निश नहीं लगाए हैं। और आपको बता रहा है कि मैं अभी दूसरी जगह से लाइव आ रहा हूं, एक मैंने ऑफिस लिया है। ओके ना, अब वहीं से हम अपना वर्कशॉप अपना काम करेंगे और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे। वो क्योंकि आप लोग की रिक्वायरमेंट होती थी कि सर ये थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर आइए, है ना, तो हम लेकर आ गए हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। ओके, हाँ, अगर इसके ऊपर वार्निश करेंगे ना तो इसमें शाइनिंग आ जाएगा और आप ये देखेंगे कि हमारे इस एरिया में एक इधर लाइट है, इधर लाइट है, सामने लाइट है ना, तो उसकी जो शाइनिंग है ना दीवार के ऊपर आएगा तो मजा नहीं आएगा। इसी को देखते हुए मैंने इसके ऊपर में वार्निश मैंने नहीं किया है। ओके ना, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही पेंट है, ये बिल्कुल ही है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ही बनाया था लाइव में आकर, है ना, आपके सामने बनाया था, आप देखे ही थे। और मात्र इसको बनाने में हमें 3 घंटा टाइम लगा था। 3 घंटे में मैंने ये इसका बैकग्राउंड हमने बना दिया था। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसके बारे में आपको आज हम फुल डिटेल बताने वाले हैं। मार्बल पाउडर, फ्रेंच पाउडर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, पीओपी और फ्रेंच पाउडर, ये सब के बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। ओके, घर के सपोर्टर लोग भी सब ठीक है, अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छी होंगी, है ना। आज बहुत ये दिन के बाद आज हमारे लाइव पे आप आ रही हैं। ओके, ऐसे ही आप हमारे लाइव पे आते रहिए, ठीक है। तो लोग ज्यादा जुड़ जाए उसके बाद हम फिर इस पे काम पे आते हैं और काम पे आते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हाँ, वो जो टॉपिक अच्छा इसलिए भी है क्योंकि लोगों की डिमांड थी, कंफ्यूजन थी। ओके, इसलिए जितने भी जो पाउडर है ना ये सब का एक जगह एक ही साथ में वीडियो हम आप लोग को बना
कि आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग को यूज करने में आसानी हो। इसका वर्क के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर के बारे में बात करेंगे और इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके सेवन डेकोर जी वेलकम, और ये काजल जी वेलकम। हाँ 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 ओके ओके ओके। तो चलिए हम अपने काम से आते हैं। आज हम बात करते हैं ये किससे स्टार्ट करें, आप लोग बताइए ये कौन से पाउडर से पहले हम स्टार्ट करें। हम वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। और आप लोग के कमेंट्स को पढ़ने के लिए, सर डाउट होंगे सभी के इस टॉपिक पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं इस आर्ट को लेकर आया हूँ, इस इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूँ, इसके बारे में टोटल आपको ज्ञान दे दे, जानकारी दे दे, है ना। बट आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग अभी ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ना ग्रुप में, तो लोग हमको ज्वाइन करेंगे और फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो उनको अपने आर्ट को और अच्छा करने में हेल्प मिल जाएगा, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके हाँ, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। हाँ जी हाँ जी, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, पीओपी से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है पीओपी से ही शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे काम अपना शुरू करते हैं। तो हमने कुछ पाउडर को हमने इसमें हमने एक प्लेट में हमने निकाल कर रखा है, अलग अलग नाम से हमने स्टिकर भी लगाया है। ओके तो आते हैं हम पहले पीओपी के बारे में बात करते हैं। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ ऑफ पेरिस, ठीक है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये अलग अलग कंपनी लोग इसको बनाते हैं, तो हम यहाँ पे किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर में ये पीओपी है, 1 केजी के पैकेट में, 2 केजी के पैकेट में, 20 केजी के पैकेट में और इससे भी बड़े बड़े पैकेट में आते हैं पीओपी। ओके तो इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल करके कंपनी बनाती है ना, ओके ये इनका मटेरियल होता है सीक्रेट होता है। ओके इनका ये अपना इसका रेशो होता है, बस वो बना के देते हैं। इसमें ये है कि इसके अंदर में जैसे ही पानी डालते हैं, ओके तो इसमें एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन जब होता है तो पानी जैसे जैसे ये सूखता है ना, ये हार्ड होते जाता है। ओके हार्ड होते जाता है और ये एक मजबूत सा एक गांठ सा बन जाता है, है ना, एक क्ले बन जाता है। और ज्यादातर इसको हम इस्तेमाल अपने ऑफिस के लिए करते हैं, ऑफिस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। ओके तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल वॉल के ऊपर में किया जाता है डेकोरेशन के काम में, और अगर म्यूरल आर्ट अगर दीवार के ऊपर बनाते हैं उसके ऊपर में इसका इस्तेमाल होता है। ओके तो हम यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको इसलिए आपको दे रहे हैं कि ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग पीओपी से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन हो अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई इसको कर सके। अब इसको घोलने के लिए आपको बता रहे हैं, इसको पानी में घोलते कैसे है, ठीक है यहाँ पे घोलने में बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आपको बता रहे हैं कि आपको वाटर लेना है और उसके अंदर में इतना डालना है कि जैसे डोसा होता है ना, डोसा का जो हम पेस्ट बनाते हैं, ओके हाँ मूर्ति बनाने के भी काम में आता है। बिल्कुल सर नाइस टॉपिक, यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके ओके अनु जी बोल रहे हैं, तो इसी बात पे एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। तो जो डोसा होता है ना, डोसा के मोटाई का आपको ये पेस्ट बनाना होता है, तो आप ज्यादा पानी ले लीजिए, उसके अंदर में इसको डालना है। ओके डालने के बाद उसको आपको हाथ से या लकड़ी से उसको आपको ऐसे ऐसे मिलाना है। ओके डोसा इतना मोटाई हो जाएगा, ओके तो उसको आपको एक जगह छोड़ देना है, ठीक। वो छोड़ने के बाद होता है क्या कि वो जैसे जैसे उसका पानी है ना उसमें से सूखता है ना, ये
पेज धीरे 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 हार्ड होते जाता है। आप लोग का जो कमेंट है ना, हम थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है कमेंट को पढ़ने में। हाँ, इसमें वो क्या रहा है कि हम जब देख रहे हैं ना, तो हमारा जो वो चेहरा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बैक वाली वाल है ना, वो ब्यूटीफुल है। हाँ जी, हाँ जी, वो हमने आपके सामने ही किया है। इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा दीजिए। बस 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 बस, ठीक है, ओके है। हाँ, अब अच्छा है। अब हम भूल गए कि कहाँ पे थे। ओके, तो हाँ, उसमें जैसे ही पानी डालते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे उसको जब मिक्स करते हैं तो धीरे धीरे वो सूखने लग जाता है। बट बहुत से लोग इसमें करते क्या है कि पीओपी को लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे की तरह उसको गूंथते हैं, जो रॉन्ग है, गलत है। ओके, वैसे नहीं उसको मिलाया जाता है। आटे की तरह अगर आप लोग करते हैं ना, तो वहां पे सर अपना एक सुंदर सा लोगो वाला भी बैकग्राउंड पे लगा दीजिए। नहीं, वो लोगो यहाँ पे है ही है, लोगो हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो दिक्कत वाला बात नहीं है, है ना। ओके, तो आपको ऐसे पीओपी को पानी में घोलना है। और इसको वर्क करने के लिए अगर म्यूरल बनाते हैं, पीओपी और मूर्ति बनाते हैं, दीवार के ऊपर में आर्ट बनाते हैं ना, तो ये गीले गीले में इसमें आपको काम करना होता है। ओके, गीले गीले में वो, क्योंकि जब जैसे ही सूख जाता है, ओके, इसमें आप वर्क नहीं कर पाएंगे। एक बार जब ये सूख गया तो हार्ड हो गया, ठीक। तो आपको कार्विंग करना है, उसको मिलाना है, तो आपको एक ही साथ उसी टाइम आपको करना है। और इसमें एक और बात आपको बताना हम चाहेंगे कि इसमें आपको ये फेविकोल मिक्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपको पानी मिलाना है और उसी से आपको काम करना है। ऐसा लोगों को मैंने देखा है कि ये पीओपी में वो फेविकोल भी मिक्स कर देते हैं, वो डालने की जरूरत है ही नहीं है। ओके, वो क्योंकि इसके अंदर में जो केमिकल है वो पानी के साथ में मिक्स होकर के ये ऑलरेडी हार्ड मटेरियल बना देता है। आप वो देखेंगे पीओपी अगर सूखा हो, सर इसमें सूखने के बाद इसमें इसमें क्रैक आ जाता है। ऐसा नहीं है, आता तो नहीं है। हाँ, आता कब है, ये अभी मान लीजिए कि मैंने ये दीवार के ऊपर में हमने ये पीओपी लगाया, ठीक है, लगाने के बाद हुआ क्या कि 3-4 साल 5 साल के बाद उसमें हल्का सा उसमें आता है। ओके, तो हल्का सा आता भी है ना, तो घबराने वाला बात नहीं है। वो इसके अंदर में ये चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, ये आपको देखना होता है। तो उसके लिए आपको ऐसे ऐसे इसको बजा के आपको चेक करना होता है। अगर दीवार के ऊपर में करते हैं तो अगर वो डमरू की तरह, ढोल की तरह ढप ढप बजे, तो जान लीजिए कि वो जो पीओपी जो पकड़ा हुआ था ना, वो निकल गया। ओके, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। लोगो बोर्ड बनाइए सर, मार्बल क्ले से लोगो बोर्ड बनाइए। ये स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये पीओपी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीओपी, वॉल पुट्टी और व्हाइट सीमेंट, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये आज हम आपको ये टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहे हैं वो, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी भी मिली है तो अधूरा जानकारी मिली है। ओके, तो इसी को देखते हुए हमने ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। हाँ, इस पीओपी को काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा घोलना होता है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम आर्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर में डाल करके उसको यूज मैंने कर लिया। ओके, जो बचेगा वो फिर बेकार हो जाता है, इसलिए आर्टिस्ट लोग, मूर्तिकार लोग है ना, थोड़ा थोड़ा घोलते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर एक बार में अगर आप
अगर चाहते हैं कि इतना सारा घोल ले तो पीओपी हो जाएगा बेकार। तो इससे काम करने के लिए घोलने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसको घोलते कैसे हैं। ओके, तो जो नए जुड़े हैं एक बार वो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ओके, और वो स्टार्टिंग से देखेंगे कि मैंने पीओपी के बारे में मैंने क्या क्या बताया है। अब बात आते हैं कि इसको अप्लाई हम कहां कहां कर सकते हैं। वाल के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, या डेकोरेटिव अगर ये कोई आर्ट कर रहे हैं दीवार के ऊपर में है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसको बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे एमडीएफ बोर्ड हो चाहे प्लाई बोर्ड है। ओके, वैसे ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि इस्तेमाल उस पर करते हैं लेकिन ये उस पर बिल्कुल ही नहीं टिकेगा। ओके, तो जब नहीं टिकेगा तो आपका जो है पेंटिंग हो जाएगा बेकार। तो इसलिए आप लोग पीओपी का इस्तेमाल ये वाल के अलावा और कहीं नहीं करेंगे, नहीं कैनवस पे भी नहीं, उस पे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बात इसका। अब आते हैं व्हाइट सीमेंट। ओके, ज्यादातर मार्केट में आपको इस कंपनी का आपको मिल जाएगा। जिग्ना व्यास जी बोल रहे हैं कि लिप्पन आर्ट कर सकते हैं क्या पीओपी से। हेलो सर, आप कैसे हैं? पूर्णिमा गुप्ता जी बोल रहे हैं हम बिल्कुल अभी ठीक ठाक है, तभी हम लाइव आए हैं। ओके, आज इच्छा हुई कि हम लाइव आ जाए। लिप्पन आर्ट का आप इसके लिए ये दीवार पे बेस बना सकते हैं लिप्पन आर्ट को करने के लिए, या अगर कोई अगर मोल्ड में अगर इसको निकालना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये मोल्ड निकाल करके वाल के ऊपर में चिपका सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं ये व्हाइट सीमेंट के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर हम लोग जो है ना अपने घरों में जो जो डार्क वाला जो आता है ना ग्रे, डार्क ग्रे वाला है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं ना बिल्डिंग को बनाने में, दीवार को जोड़ने में उसका इस्तेमाल होता है। तो हुआ क्या कि कंपनी ने ये देखा कि हम जो ऐसे डेकोरेटिव वाला काम करते हैं है ना, डेकोरेटिव आर्ट, तो उसमें वो जो ब्लैक वाला है वो चलता नहीं है। और जब चलता नहीं है तो कंपनी ने क्या किया कि व्हाइट सीमेंट निकाला मार्केट में। ओके, इसमें बेनिफिट क्या है ये हम आपको बताते हैं, इसका बेनिफिट इसमें क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी यहाँ पे जुड़ते जाएं और इसका जानकारी लेते जाएं। और आपको बता रहे हैं कि हमारा ये जो स्केचिंग वाला क्लास है ना, इसका आज लास्ट डेट है। ओके, इसका आज लास्ट डेट है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस आर्ट को ज्वाइन कर करके आप अपना स्केचिंग को और अच्छा बना सकते हैं। इसका लास्ट डेट है। ओके, ओके सर, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा ठीक रहे हैं, हम अच्छे हैं। ओके, आप लोग की दुआ है। ओके, तो अब यहां पे इसके बारे में बात करते हैं। ये व्हाइट सीमेंट है ना डेकोरेटिव आइटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिव का मतलब ये हुआ कि हमने कोई दीवार के ऊपर में ये कोई ऐसे आइटम हमने बनाया है उसके अंदर में बैकग्राउंड में उसकी जो है फिलिंग करने के लिए है ना एक उसी कलर का हमें मटेरियल चाहिए ना, तो जो ब्लैक वाला जो सीमेंट आता है डार्क ग्रे वाला, आप उसमें कोई भी रंग डाल नहीं सकते हैं, उसमें कोई भी रंग डाल नहीं सकते हैं। इसलिए कंपनी ने व्हाइट सीमेंट का निर्माण किया। इसमें जो कलर आपको यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। आप इसमें पिगमेंट और स्टेनर डाल सकते हैं। ओके, वो क्योंकि ये बिल्कुल व्हाइट होता है और ये इसका इस्तेमाल हम इसको पानी में डाल के करते हैं। अगर आपको घोलना है ना, थोड़ा सा पानी लीजिए उसके अंदर में ये डाल दीजिए और डालने के बाद उसमें आपको जो भी रंग डालना है वाटर कलर बेस वो आप डाल करके इसका रंग बदल सकते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम के लिए। ओके,
या इसका कहीं कहीं पे इस्तेमाल वहां भी हो सकता है कि आपके घर में या हमारे घर में जो टाइल लगा हुआ होता है उसकी जो गैप होती है ना उसको भी भरने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर वो टाइल अगर अलग रंग का है तो उसमें उसी रंग का इसमें स्टेनर या पिगमेंट डाल करके उस गैप को भर दिया जाता है। अगर व्हाइट से अगर भरेंगे तो उसमें एक लाइन दिखता है ना, तो इसलिए इसमें आप इसमें स्टेनर या पिगमेंट डाल करके वाटर बेस वाला डाल करके आप इसका रंग आप चेंज करके इसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, ये व्हाइट सीमेंट है। अब यहां पर बात करते हैं कि व्हाइट सीमेंट और जो जो डार्क ग्रे वाला है, सर व्हाइट सीमेंट में फेविकोल की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है। ओके, ये क्यूरिंग की नहीं समझे वंदना जी, क्या बोल रहे हैं सर, क्या व्हाइट सीमेंट को क्यूरिंग नहीं समझे? ओके, अब व्हाइट सीमेंट और जो डार्क वाला सीमेंट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इससे और उसमें डिफरेंट क्या है। तो वो ज्यादा मजबूत होता है इसके मुकाबले, क्योंकि उसके अंदर में जो भी मटेरियल जो भी केमिकल इस्तेमाल होता है ना इसके मुकाबले उसमें ज्यादा यूज होता है, उसको ज्यादा हार्ड तरीके से बनाया जाता है, इसलिए वो मटेरियल बरसों उचलते रहता है। व्हाइट सीमेंट को बताइए वंदना जी, अब क्या आप पूछ रही हैं? आज आपके पास एक मौका है ये सब के बारे में और जानकारी लेने के लिए। इसमें आपको फेविकोल डालने की जरूरत नहीं है, फेविकोल डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी बात यकीन ना होना तो आप यहाँ पे इनके डिटेल लिखे हुए होते हैं कि इसमें क्या मिक्स करना है। अब लोग इसमें जबरदस्ती लहसुन डाल दे प्याज डाल दे तो वो उनकी अपनी वाली बात है ना, वो क्योंकि इसमें कंपनी अपने हिसाब से जो भी चीज बनाती है ना उसको पता होता है कि इसमें क्या क्या हमें मिक्स करना है, उसी हिसाब से बना करके वो बेचती है कंपनी। ठीक है, इसका सूखने का टाइम है गर्मी के दिन में व्हाइट सीमेंट को वाटर, हाँ इसमें वाटर ही डालना होगा, वाटर से ही ये वर्क करेगा। और आपको आपको फिर से बता रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट वाल पुट्टी और टीओपी इसमें वाटर डालते के ही साथ में ये सूखना शुरू कर देता है। अगर ये कोई बोलता है कि इसको स्टोर करके रख सकता है, रख सकते हैं उसको 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 पन्नी में लपेट के, तो भी सूखेगा वो, क्योंकि उसके अंदर में रिएक्शन हो चुका है, वो पानी के साथ में जैसे गया है उसमें रिएक्शन हो गया है तो वो सूखेगा ही सूखेगा। ओके, तो इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इसको आप रीयूज भी नहीं कर सकते हैं। एक होता है ना कि आपने ये बनाया और इसको आप रीयूज करना चाहते हैं, है ना, ये रीयूज भी नहीं होगा, ये वन टाइम में जो बन गया वही बन गया, रीयूज होता ही नहीं है। ओके, अब आते हैं वाल पुट्टी के बारे में बात करते हैं। ये कहां है वाल पुट्टी हमारा, ये है वाल पुट्टी, ये वाल पुट्टी है, नाम से ही पता चल रहा है कि वाल पुट्टी है ना, तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल पेंटर लोग ये दीवार को स्मूथ करने के लिए एक ऊपर से लेयर देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जब व्हाइट पुट्टी नहीं था, वाल पुट्टी नहीं था, तो पेंटर लोग इसके लिए करते थे क्या, वाल पुट्टी को बनाने के लिए इनेमल पेंट या वार्निश में चौक मिट्टी मिक्स करके वाल पुट्टी बनाते थे। ओके, बट यहां पे कंपनी ने ये वाल पुट्टी इसलिए बनाया कि ताकि इसमें इसमें टाइम बच जाए और पैसे बच जाए। ओके, तो इसलिए ये वाल पुट्टी लेकर आए। और इसका इस्तेमाल अगर आपने वाल के ऊपर में अगर टीओपी आपने किया है तो उसके ऊपर में उसको स्मूथ करने के लिए है ना इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बाहर वाल के लिए भी वर्क करेगा और अंदर वाल के लिए भी काम करेगा। ठीक है, इसके ऊपर में म्यूरल आर्ट अगर ये कोई बनाते हैं उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऊपर से। ओके, ऊपर से इसमें वाल पुट्टी में है क्या, मैं आपको बता रहा हूं
इसमें ज्यादा मोटा लेयर इससे नहीं कर सकते हैं, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। ज्यादा मोटा लेयर अगर करते हैं तो, अगर ज्यादा ये मोटा अगर लेयर करना ही है ना, एक तो महंगा भी पड़ेगा, दूसरा बात वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर ज्यादा मोटा लेयर करना है तो आपको ये जो पीओपी है ना उससे करना है, उसके बाद वो करने के बाद इसका इस्तेमाल आप कीजिए। ओके, ये जो वाल पुट्टी है ना 1 mm 2 mm 4 mm के इम्बोज के तक के ही करने के लिए बनाया गया है। अब इसको जबरदस्ती अगर इतना मोटा मोटा लेयर बनाते हैं ना तो एक तो भारी हो जाएगा और वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ओके, तो ये कहने का मतलब है कि ये एक वाल को प्रोटेक्ट करने वाला एक मटेरियल है ये वाल पुट्टी, ठीक है। लेकिन इसको इसको पेंट करने से पहले, ओके, अगर आपका वाल अगर पीओपी हो रखा है या पीओपी नहीं हुआ है उसके ऊपर ये इस्तेमाल होता है, उसके बाद में आप इस पर पेंट करते हैं। जब इसके ऊपर में आप पेंट करते हैं तो ज्यादा उसमें फिनिशिंग आता है, उसमें शाइनिंग आता है, एक अच्छा वर्क करता है। ओके, वाल पुट्टी का यहां पे इसका ये इस्तेमाल होता है। ओके, लिप्पल आर्ट के आर्ट में भी आते हैं। ओके, वो लिप्पल आर्ट के लिए भी हमने आने वाले टाइम में लेकर आएंगे, उसका भी लेकर के आएंगे। ओके, लिप्पल आर्ट के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि ज्यादातर लिप्पल आर्ट है ना ऊंट के गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल करके उसका जो है ना पेस्ट तैयार किया जाता है। ओके, रियल हम आपको बता रहे हैं। और लिप्पन यानी लिपना है ना, वाल के ऊपर में ऐसे ऐसे लिप करके उसको लिपन आर्ट बनाते हैं, ठीक। और ये गुजरात के जो है कच्छ जिला है ना वहां पे ये ज्यादा ही फेमस है, ये वहीं का आर्ट है। ओके, बट यहां पे ऑनलाइन में लोग है ना ये टेक्निक बताते ही नहीं है कि इसका जो है ना ये पेस्ट अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बार हमने वीडियो भी बनाया था कि लिप्पन आर्ट के लिए जो उसका जो पेस्ट वाला आइटम कैसे बनाया जाए। तो अब आप बताइए कि ऊंट की जो गोबर है आप हाथ में ले सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे कि लिप्पन आर्ट का पेस्ट बनाने के लिए आप ये जैसे लकड़ी का जो बुरादा आता है उसको मिक्सी में उसको पीस करके मिक्सी में लकड़ी का बुरादा हुआ, धान का हुआ छिलका हुआ, ओके, जो और क्या बोलते हैं घास हो गया, वो सबको उसको पेस्ट बना करके मिट्टी में डाल करके उसको आप उसका एक पेस्ट आप बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यह है कि उसको ज्यादा अगर मोटा लेयर में करते हैं वाल के ऊपर मोटा लेयर में करते हैं तो वो मिट्टी है ना वो फट सकता है। ओके, लिपने का मतलब है उसको लिपना है, थोड़ा सा लेयर वो दिखाना होता है। ओके, अब मिट्टी है, मिट्टी को अगर ज्यादा मात्रा में अगर रखेंगे तो फटेगा फटेगा, तो अगर उसको अगर 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 चाहते हैं कि वो अगर फटे नहीं तो उसमें हल्का सा आप उसमें फेविकोल आप डाल सकते हैं, है ना। बट आपको उसका बेस बनाना है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब उसके ऊपर में जो करना है आप मोल्डेड से लाइन कर सकते हैं, कोनिंग वर्क कर सकते हैं, ये आपके ऊपर जाता है ना। आप लोग हमको यहां से लिप्पन आर्ट पर पहुंचा देते हैं, बताइए है ना। अभी हम कहां पे थे, वाल पुट्टी पे थे, हाँ वाल पुट्टी पे थे ना। तो वाल पुट्टी के बारे में हमने आपको बताया कि वाल को केयर करने के लिए इसका इस्तेमाल लोग करते हैं दीवार के ऊपर में, नाम ही है वाल पुट्टी। अगर इसका अगर क्ले बनाते हैं और आपको अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि इसका क्ले बना करके आप उसको पन्नी में लपेट करके उसको एक महीना तक स्टोर कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख करके, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। ओके, वो क्योंकि वाल पुट्टी में भी वो केमिकल है, ठीक है, जैसे उसके अंदर में पानी डालेंगे ठीक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा वो,
जम जाता है वो। ओके, अब यह है कि स्टोर होने वाला जो है प्रोडक्ट कौन सा है, ये अब हम आपको बताते हैं। ये हमारे ये पास है चौक मिट्टी है। ओके, ये चौक मिट्टी आप देखेंगे कि ये बटर के रंग का होता है ये चौक मिट्टी। ठीक है, चौक मिट्टी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का मिट्टी है। ठीक है ना, या इसको चौक पाउडर भी बोल सकते हैं। अब ये आता कहां से है, मिट्टी है, तो ये आपको आपको पता ही है कि फिर ये आएगा कहां से। ये हमारे इंडिया में भी कई ऐसी जगह है जहां पे इसका ऐसे ऐसे एरिया में मिल पाता है। जैसे आपको हम आपको एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, मुल्तानी मिट्टी नाम आप लोग सुने होंगे, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, है ना, ज्यादातर लेडी लोग है ना, इसमें लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए, है ना, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल वो लोग करती हैं। आप बताइए कि मुल्तान ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है ना, तो वहां पे ये मिट्टी ज्यादा मात्रा में वहां पे पाया जाता है ना, तो उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से करते हैं। ठीक, उसी प्रकार ये चौक मिट्टी है। ठीक, अब ये जयपुर है कि कहाँ है, ये हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी नाम आप लोग सुने होंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए मुल्तानी मिट्टी। हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो वहां पे जो हल्दी घाटी है, सर रिग्रेट अगेन प्लीज, नूर जहूर खान जी बोल रहे हैं, पता नहीं मैं इनकी बात को नहीं समझा। तो हल्दी घाटी की जो मिट्टी है ना वो येलो कलर का है ना, इसीलिए नाम रखा गया है कि हल्दी घाटी। वहां की मिट्टी है ना येलो टोन होती है, हल्दी के जो रंग है उसके जैसा होता है ना। तो इसी प्रकार हमारे इंडिया में ऐसे ये बहुत से स्टेट है जहां पे अलग अलग आपको ये आपको मिट्टी मिल जाता है और उसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। ठीक, उसी प्रकार ये है चौक मिट्टी। अब ये चौक मिट्टी कितना पतला है, ये मैदे की तरह है। ठीक है, ये मैदे की तरह है। अब ये चौक मिट्टी के रंगों के बारे में अगर हम बात अगर करते हैं तो ये है बटर के कलर का है, ये कहीं कहीं पे ऑफ व्हाइट भी होता है, बिल्कुल व्हाइट नहीं आता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग पेपर मेसी का जो आता है ना स्लेज, वो हम बनाते हैं, इसी में ग्लू डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं ना, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसको स्टोर आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, इसमें अगर अभी पानी अगर हम डाल दें तो होगा क्या कि एक गांठ सा बन जाएगा, गांठ बनने के बाद इसको हम धूप में रख देंगे, फिर उसको हम इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, उसको लाइए, उसको छोड़िए, फिर से उसको इसको पाउडर बनाइए, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें रिएक्शन हुआ नहीं हुआ ना, तो इसमें बनाए हुए जो है क्ले है ना, चाहे वो पेपर मेसी हो, है ना, आप इसको 10 दिन 15 दिन महीना दिन आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, इसको रख सकते हैं। अब आते हैं मार्बल पाउडर। ओके, इसमें भी जो बनाए हुए जो हम इसमें फेविकोल डाल के जो मिक्स कर हम लोग जो बनाते हैं ना, इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें भी रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन का मतलब यह है कि पानी डालने पे आप फिर से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं सूखने के बाद, है ना। लेकिन बिरला पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, वाल पुट्टी है ना, इसमें जैसे ही पानी डालेंगे वो जमने लग जाता है, उसको दोबारा इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ग्लू की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका फेविकोल हो, चाहे वो गम हो, चाहे और भी अलग अलग टाइप के जो गम आते हैं उसका इस्तेमाल आप करके इसका आप मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता नहीं है। तो मार्बल पाउडर में ज्यादातर हम इस्तेमाल
हम फेविकोल करते हैं, एमआर फेविकोल हो गया, एसएच हो गया या मरीन हो गया, ओके। ये इसका इस्तेमाल करके हम वो पेस्ट बनाते हैं और उसको हम अपना आर्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप 10 दिन 15 दिन महीना दिन स्टोर करके इसको रख सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए जो क्ले आप बनाते हैं ना उसको एक पन्नी में डालना होता है और डालने के बाद उसको अच्छी तरह से आपको उसको रखना होता है। जरूरी नहीं कि उसको आपको आपको फ्रीज में रखना है, ऐसा नहीं है, उसको कहीं भी उसको रख सकते हैं, बट उस पर हवा नहीं लगना चाहिए अंदर, ओके। हवा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आवाज इको इसलिए हो रहा है वो क्योंकि हम जहां पे बैठे हुए हैं ना बिल्कुल ही खाली है, ओके। ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, ये खाली है इसलिए इको हो रहा है। और जहां हम पहले लाइव आते थे ना वहां पे क्या था कि आपको भी पता है वो घर है, वहां पे बीज रखा हुआ है, बेड है, हर चीज है ना, तो आवाज है ना उसके अंदर में वो चला जाता है, बट यहाँ पे आवाज गूंज रहा है। नित्या जी बोल रहे हैं सर इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश हमको नहीं आती है तो मैं कैसे आपको बताऊं, अगर आता तो आज का वो डेट में हम यूएसए में भी सुपर स्टार होते हैं, है ना। तो आने वाले टाइम में हम इसी ऑफिस से ज्यादातर लाइव आएंगे और इसकी अभी हम जो भी डेकोरेटिव वाला वर्क है ना अभी हम कर रहे हैं ऑफिस का, ओके ना। अभी आप ये देखेंगे कि उस दिन हम लाइव आके इसका बैकग्राउंड भी हमने बनाया था, है ना। हम चाहते तो वॉल पेपर भी लगा सकते थे बट हमने ऐसा नहीं किया, है ना। हम अपने हिसाब से इसको मैंने बनाया है, ये कितना अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, है ना, तो इसको आर्ट बोलते हैं। तो ऐसे हम आने वाले टाइम में हम यहीं से ज्यादातर लाइव आएंगे। तो मार्बल पाउडर के बारे में हमने बता दिया, अब आते हैं ये फ्रेंच पाउडर, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पाउडर यहां से नहीं आया है, ओके ओके, बाहर से आया है फ्रेंच, ओके ठीक है। इसी पाउडर से ये टेलीकॉम पाउडर बनाया जाता है, ठीक, इसी पाउडर से टेलीकॉम पाउडर बनाया जाता है जहां तक हमें लग रहा है। उसमें केमिकल कल डाल करके आया मौसम गर्मी कूल का, है ना, ये कुछ इसी का इस्तेमाल उसमें ये किया जाता है। और ये देखा जाए इसकी बारीकियां के बारे में, ये बिल्कुल ही महीन है, मैदा से भी ये ज्यादा बारीक है, ठीक है, मैदा से भी ये ज्यादा बारीक है, ठीक। इसीलिए हम लोग जब बॉडी पे लगाते हैं ना तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि हमने ये पाउडर भी लगाए हैं। वो कभी आटा लगा के आप देखिएगा, आपको आपको पता चल जाएगा, है ना। आटा वाला फॉर्म में अगर आप लगाएंगे ना तो आपको पता आपको चल जाएगा कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना। तो ये बारीक होता है। अब इसका इस्तेमाल होता कहाँ है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग अपने आर्ट में करते हैं। ऊपर से अगर आर्ट हमारा अगर खुरदरा है, विच पाउडर इज दिस, ये है फ्रेंच पाउडर है, ये है फ्रेंच पाउडर, ये शायद आपको हमने इसमें लिख रखा है नाम, इसमें फ्रेंच पाउडर। ये आपको हार्डवेयर पेंट के दुकान में आसानी से मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, इससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। रेट भी आपको बता दें, ठीक है, अलग अलग जगहों में मैं आपको बता रहा हूं 30 रुपया से लेकर 60 रुपया के बीच में आपको फ्रेंच पाउडर मिलेगा। और जो चौक मिट्टी है वो आपको 10 रुपया से लेकर 30 रुपया के बीच में ये आपको चौक पाउडर मिलेगा। वॉल पुट्टी है, अगर 1 केजी का पैकेट वो लेते हैं तो आपको आपको 30 रुपए का आएगा, 30 या 40 का आएगा, ठीक है। मार्बल पाउडर है, जो आप अगर एक बोरी में लेते हैं तो ये आपको सस्ता पड़ जाएगा, 200-250 के बोरी आ जाता है, बोरी में होता है 30 किलो 40 किलो, ओके। बट हम यहाँ पे स्टूडेंट को 25 रुपए के रेट के हिसाब से मार्बल पाउडर देते हैं। वॉल पुट्टी भी नहीं, ये व्हाइट सीमेंट है, ये भी आपको 1 केजी 30 या 40 रुपए में मिल जाता है। जो टीओपी है
ये भी सस्ता आता है, ये भी सस्ता आता है। अगर 20 केजी का पैकेट लेते हैं पीओपी का तो 250 के आसपास में आपको ये आ जाएगा, 250-300। ओके, अब ये जिग्ना जी बोल रहे हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आज आप क्या करने जा रहे हैं। आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, आज हम ये आपको बताने के लिए आए हैं कि इसके बारे में जो कंफ्यूजन थी आप लोग को, ये सब ऑर्डर के बारे में, ये सब जानकारी हम आप लोग को देने के लिए आए हैं। इसके बीच जो भी डिफरेंट है वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। वो क्योंकि लोगों का इतना हमारे पास में मैसेज आता था कि सर बताइए ये पीओपी क्या होता है, फ्रेंच पाउडर क्या होता है, इसका क्या होता है ना, फ्रेंच पाउडर का यूज कैसे होता है। डालिया जी बोल रही है अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कोई मूर्ति बनाया। ओके, ये मूर्ति बनाने के बाद होता है क्या कि उसके अंदर में देखेंगे तो हल्का सा बारीक सा उसके अंदर में माइक्रो होल होता है। ओके ना, उस होल को, उस गैप को भरने के लिए, यानी बारीक होल को भरने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल होता है। इस पाउडर का इस्तेमाल आप वार्निश में डाल करके एक आप पेस्ट बना सकते हैं, उंगली से इस पर लगा सकते हैं, पत्ती से लगा सकते हैं, तो माइक्रो होल आपका भर जाएगा। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल पेंटर लोग अपने जो भी फर्नीचर में पॉलिश करते हैं ना उसको स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, पट्टी लगाते हैं। सर ये सब क्या क्या बनाने में यूज होता है, हमने बताया तो अभी, आप लेट ज्वाइन किए हैं, मैंने आप बताया है, जो अभी नए जुड़े हैं कृपया करके एक बार ये वीडियो शेयर कर दीजिए तो एक बार और हम रिपीट फिर हम इसमें कर सकते हैं। ओके, इसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा वाटर पी लेते हैं। और हमारा ये स्केचिंग का लाइव पेड क्लासेस 15 तारीख से शुरू हो रही है और इसकी लास्ट डेट आज है ज्वाइनिंग का। तो जिनको भी अगर अच्छा स्केचिंग सीखना है, ओके ना, रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक यानी जैसा आपको दिख रहा है ना वैसा ही आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक ये है, ये तीनों आर्ट आपको सिखाया जाएगा। अमिताभ जी हैं और ये है एक मॉडल, यानी इसमें जो भी डिटेल आपको दिख रहा है ना ये सब आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ओके, लाइव स्केचिंग सीखने के लिए मिलेगा। देखिए मैं गर्म पानी पीता हूं, करे ना, इसमें से भाप निकल रहा है। अभी ज्वाइन किए हैं। सुनीता जी बोल रहे हैं अच्छा सेरेमिक पाउडर और मार्बल पाउडर, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सेरेमिक पाउडर हमारे पास में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में अगर सेरेमिक पाउडर अगर आप सर्च करते हैं ना तो ज्यादातर उसमें मार्बल पाउडर ही आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन है। ओके, जो सेरेमिक पाउडर है ना, जो सेरेमिक का पॉट होता है ना उसका बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, प्लीज बताइए सबसे मोटा और सबसे पतला पाउडर कौन सा है। ओके गुड, तो आपको बता रहे हैं कि अगर इसको अगर हम हाथों से अगर मार्बल पाउडर को लेते हैं तो ये 6 के 6 आइटम में से सबसे मोटा है, आटे की तरह है। ओके, उसके बाद है ये जो पीओपी है ना ये भी मोटा होता है इसके बाद, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे। उसके बाद हम आते हैं ये है व्हाइट सीमेंट, ये भी थोड़ा सा मोटा होता है, यानी ये ज्यादा मोटा उससे ये हल्का मोटा, ठीक है, उससे ये हल्का मोटा। अब ये आता है, ये है वॉल पुट्टी, उससे मोटा उससे कम मोटा,
उसके बाद आता है ये चौक मिट्टी, ठीक है ना। लास्ट में आता है ये है फ्रेंच पाउडर, ये काफी बारीक होता है, ये जिसको लोग टेलकम पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और आपको बात हम आपको बता रहे हैं कि मार्बल पाउडर पर मत जाइए, कि इसको बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ये सुपर फाइन क्वालिटी है, ये आटे की तरह है। अब बताइए, सुपर फाइन आटे की तरह है, इससे बारीक आता नहीं है, आज तक तो हमें नहीं मिला, आज तक इससे बारीक हमें मिला ही नहीं है, मतलब आता नहीं है, ठीक। ये बनता कैसे है, जो मार्बल टाइल होते हैं ना, उसकी जब कटिंग होती है ना, तो उसको उसको काटते टाइम में जो डस्ट निकलता है वही मार्बल पाउडर है, ठीक है। और ये इतना ये बिल्कुल ही सस्ता आता है कि इसमें कंपनी इसको फिर से इसको इसको पीसने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं समझती है। ओके, जो है ले जाओ भाई। और हमको याद है, आपको भी याद होगा कि जैसे गांव में कोई होता था, फंक्शन होता था, नेता आते थे, अभिनेता आते थे ना, रोड के साइड में लगाते थे ना, इसी को छिड़ते थे। और हमें हमें पहले लगता था क्या कि आटा लोगों ने वहां पे गिराया है, फिर बाद में हमको पता चला कि नहीं नहीं वो आटा नहीं होता था, ये मार्बल पाउडर होता था। और अभी तो इसको इस्तेमाल ये मार्बल पाउडर को जो हाईवे होता है ना, रोड बनता है जो, उसमें भी इस्तेमाल होता है, तारकोल में मिक्स करके उसको मोटा करने के लिए। ये संध्या जी बोल रहे हैं कि सर मार्बल पाउडर से हेवी हो जाता है, उसको पतला कैसे बनाए। अब इसकी यही नेचर है, बताइए, इसका यही नेचर है, ये पतला नहीं हो सकता है, लाइट हो ही नहीं सकता है। ओके, लाइट हो नहीं सकता है। अब अगर हम आपको बोल दे कि जो लोहा है उसको लाइट करना है तो होगा, नहीं होगा ना। मिट्टी है उसको लाइट करना है, होगा नहीं होगा। चाहे उसको आग में पकाइए, चाहे उसको सुखाइए, वो वैसे के ही वैसे रहेगा। ओके, बट आदमी को है ना वेट लॉस करने का भी है तरीका है, डॉक्टर के पास में है ना, वो अगर ज्यादा अगर हैवी है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी बताते हैं कि ये चीज खाइए, ये चीज मत खाइए, है ना, तो उससे वेट लॉस भी हो जाता है, हमने देखा है। अगर 120 वजन है ना, तो आपका 80 केजी का भी वो कर देते हैं, उससे भी कम कर देते हैं, हमने देखा है ना। सर सबसे बेस्ट और इजी कौन सा आर्ट वर्क है में यूज करना है। ये सब का इस्तेमाल अलग अलग आर्ट को करने में किया जाता है, अपने तरीके से इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। जब आप इस लाइन में आते हैं ना, तो आपको जानकारी हो जाती है, आप अपने हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। सर मार्बल पाउडर को यूज करने के लिए फेविकोल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर आप उसके अंदर में कोई और अगर ग्लू डालते हैं ना, तो वो मजबूत नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और ये भी आपको बता रहे हैं, मार्बल पाउडर को लेकर इतने लोगों ने ऑनलाइन में अंधविश्वास लोगों ने फैलाया है, इसमें मार्बल पाउडर और फेविकोल मिक्स करने के बाद उसका नाम अपना अपना रख दिए हैं। ओके, कि ये नाम का हमारे पास में इसका रेसिपी है, बाद में आपको पता चलता है क्या कि अरे इसमें तो मार्बल पाउडर है और फेविकोल है। और उसमें उसमें कंफ्यूजन करने के लिए ये जो है ना फ्रेंच पाउडर मार्बल पाउडर में डाल दिया गया। ये देखिए कि हमने इसमें मार्बल पाउडर में हमने फ्रेंच पाउडर इतना डाला है, ये हमें पता है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, ठीक है, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि हमने इसमें इसमें फ्रेंच पाउडर डाल दिया, थोड़ा चौक मिट्टी डाल दिया। ओके, ये हालांकि एक और बात आपको बताया, ये सब डालने से
ये और मजबूत नहीं बनता है, ये कमजोर पड़ जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस चौक मिट्टी में फेविकोल डाल करके अगर आप बनाते हैं ना, मजबूत क्ले नहीं बनेगा। और बोलिए, ओके। तो लोगों ने अपना अपना नाम रख दिया है, ये क्ले, ये क्ले, ये क्ले, ये क्ले, ओके। तो आप इसी कंफ्यूजन पे ना जाए, मार्बल पाउडर में फेविकोल डालना है बस, उसमें आपको पानी भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर एसएस से अगर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्ले आपको हमसे ही लेना है, हमसे ही लेना है। आप बताइए, और वो आपके पास में बन कराता है ना, तो वो लोग इतने दुष्ट होते हैं, दुष्ट है, ओके, कि इसमें स्मेल वाला भी ऐसे कोई आइटम डाल देते हैं, जैसे इलायची का हुआ, हल्का सा पूरन वो डाल देंगे या हल्दी डाल देंगे, है ना, ऐसा डाल करके जब आपके पास आएगा ना, अच्छा इसमें इलायची की तरह आ रहा है ना, वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, ओके। तो इस कंफ्यूजन से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, ओके। ऐसे तो हम भी इसको बना करके बेच सकते हैं कि ये हमारा जो है सबसे बेस्ट वाला क्ले है, हमसे ही आपको मिलेगा, इसकी ऐसी खुशबू है, ऐसी खुशबू है, ले लीजिए, ले लीजिए, है ना। तो हम यहाँ पे आप लोग को मिस गाइड करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। जो रियल बातें हैं, हकीकत बातें हैं, वही हम आप लोग को बताते हैं, ओके। वही बातें बताते हैं कि ताकि आप लोग का जो आंख है ना वो खुल जाए, आपको जानकारी मिल जाए, ओके। तो आप लोग के मन में डेंटल पाउडर क्या होता है, ये डेंटल पाउडर क्या होता है, ये उन्हीं को पता है, डॉक्टर लोग को पता है, ओके। सर पोर्ट्रेट में वर्क कौन सा है, ये हमारा है स्केचिंग वाला। रीना जी बोल रही हैं कि हाउ टू मेक लाइट वेट क्ले, ओके। एक ये है, एक ये है, ये हम स्केचिंग में करवाने वाले हैं, ओके। और हाइपर रियलास्टिक, ये हाइपर रियलास्टिक का मतलब आपको बता रहा है कि हर आर्टिस्ट इसको करवाता नहीं है। अनु चौहान जी बोल रहे हैं कि पीओपी ही डेंटल पाउडर, आई एम डेंटिस्ट, ओके ओके। बट आप इसमें कुछ केमिकल भी मिक्स आप करते होंगे डेंटल पाउडर में, आप उसमें ऐसा कुछ केमिकल आप मिक्स करते होंगे जहां तक हमें लग रहा है, ओके। वो क्योंकि संता जी वेलकम, और अगर आप बोल रहे हैं कि आप डेंटिस्ट हैं तो ये तो इन्फॉर्मेशन अभी ही मिल गया कि डेंटिस्ट लोग पीओपी का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब ये अनु जी बोल रही है तो आप लोग इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। नो सर ओनली वाटर, ओके ओके ओके। तो ये वैसे पीओपी लेकर आते हैं और डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, ओके ठीक है। तो आज आप लोग को हमने 6 तरह के पाउडर के बारे में बताए, नहीं 7 तरह के, है ना। एक हमने उसके बारे में भी बताया, सेरेमिक पाउडर के बारे में आपको बताया ना। और कुछ डाउट उठे तो आप लोग ये पूछ लीजिए, लाइट वेट क्ले कैसे बनाए। लाइट वेट को अगर देखा जाए ना तो आपको जो सबसे हल्का वाला बनता है ना, ये पेपर मेसी है, ठीक है। पेपर मेसी क्ले आपको ये जितने भी आइटम है उससे ये हल्का होता है। लेकिन अगर मोटे एरिया में अगर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में ऐसे आइटम, उसमें जाली उली लगा करके उसको हल्का किया जाता है, ओके। म्यूरल वर्क के लिए कौन सा पाउडर बेस्ट है, अब ये आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्ट बना कहां रही है, ओके। कितना ऊंचाई में आप बना रहे हैं, सब अच्छा है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ओके। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, है ना। ये जैसे आपके अंदर में अपनी विशेषताएं हैं, हमारे अंदर में अपनी विशेषताएं हैं ना, तो वही यहां पे भी है।
अब उस जो विशेषताएं का इस्तेमाल आपको कहां पे करना है, ये आपको अपने तरीके से करना है। हाँ जी, ये प्रेरणा जी, आप सेमिक पाउडर में भी ये बेबी कॉर्न मिक्स करके आप क्ले बना सकते हैं। म्यूरल के लिए कौन सा, अब म्यूरल के लिए वो म्यूरल आप बना कहां रहे हैं, अगर दीवार के ऊपर आप बना रहे हैं तो आप पीओपी से बना सकते हैं, मार्बल पाउडर और फेविकोल से बना सकते हैं, है ना। अगर बोर्ड के ऊपर बनाना है तो आप मार्बल पाउडर और फेविकोल को वाला से भी बना सकते हैं, बट बोर्ड के ऊपर में पीओपी से वर्क नहीं कर सकते हैं, वो चटक जाएगा, निकल जाएगा। बाकी अगर छोटे छोटे आइटम अगर आप अगर करते हैं ना, तो आप पेपर में सी जो आता है ना क्ले, उससे आप बना सकते हैं। सर वन रिक्वेस्ट है, बताइए जी स्वाति जी, रिक्वेस्ट क्या है बताइए। ओके, और एक और हम आपको बातें बता रहे हैं जो वो काफी यूजफुल है। अब ये देखेंगे कि ये हमारे पास में है चौक मिट्टी और ये मार्बल पाउडर है। ओके, अगर हम इसको इसमें मिक्स कर दें या इसको हम इसमें मिक्स कर दें, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मिक्स करने से जो आपने मटेरियल बनाए हैं, आपने पेस्ट बनाया है, वो ज्यादा वो आपका बन गया सॉफ्ट बन गया है या मजबूत बन गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बनेगा वैसा ही। हाँ, ये कंफ्यूजन वाली बात होती है कि हमने इसमें इतना डाला, हमने ये इसमें इतना डाला, ये इसमें डाला, है ना, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज स्कल्पचर बनाने के लिए। हाँ जी, स्कल्पचर जो बड़े बड़े मूर्तिकार हैं वो बनाने के लिए आप जानते हो कि होंगे कि जो घास का भूसा होता है ना, भूसा है ना, उसका इस्तेमाल उसके अंदर में करते हैं। ओके सर, वॉल पर सीमेंट वर्क में क्या क्या कितना मिक्स करना होगा, वॉल पर सीमेंट वर्क में, तो वॉल के ऊपर में हम आपकी बात को नहीं समझे सर, वॉल के सीमेंट वर्क में ये क्या का यूज करना है। हाँ, आप डायरेक्ट व्हाइट सीमेंट आप लगा सकते हैं पत्ती से, ठीक है, व्हाइट पुट्टी भी लगा सकते हैं, वॉल पुट्टी भी लगा सकते हैं डायरेक्ट वॉल के ऊपर में, और अगर दीवार के ऊपर में अगर पेंट हो रखा है, ओके, तो उसके ऊपर में अगर कोई मूर्ति बनाते हैं, म्यूरल बनाते हैं ना, तो वो जो पेंट लगा हुआ है ना उसको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमने वॉल बनाया है ना, इस वॉल के ऊपर में अगर हमको मूर्ति बनाना है, म्यूरल बनाना है ना, तो यहां से हमको ये पेंट को निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे में पीओपी है, ठीक है, पीओपी से अगर पीओपी में ही काम करना है तो ये हम इसके ऊपर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो अच्छे तरीके से वो पकड़ेगा पीओपी से पीओपी। तंजोर पेंटिंग के लिए आपको बता रहा है कि ये तंजोर पेंटिंग में कौन सा पाउडर इस्तेमाल लगता है। ओके जी, हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी ये बहुत से कंफ्यूजन है कि इसमें ये पाउडर डालो, ये पाउडर डालो, वो डालो। हम क्या करते हैं, जो खाने वाला गोंद है उधर से गोंद लाइए, तो आपको बताते हैं तंजोर पेंटिंग का पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, उधर 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 साइड में रखा हुआ है, उधर ये नहीं, जो भूला हुआ है उधर नहीं। हाँ, ये हमने हाथ से बनाया था, लाइक दे दीजिए ऐसे, ये है हमारे पास में खाने वाला बूंद, ये थोड़ा सूख गया है, ठीक है ना, इसी के अंदर में हम चौक पाउडर डाल के उसका पेस्ट हम बना देते हैं। ओके, बट यहाँ पे लोग ये भी बोलते हैं कि ये डालो इसमें, इसमें फ्रेश पाउडर डालो। ओके, आप चाहे तो इसमें चौक मिट्टी डाल के भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, जिंक पाउडर भी बोलते हैं, ये एक
यानी कहने का मतलब कि एक चम्मच ये डालो जिंक पाउडर, एक चम्मच ये फ्रेंच पाउडर, इसमें एक पाउडर है ना, ओके। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसका अगर पेस्ट बनाना होता है तो ये हमने ये चॉक पाउडर लिया, चार चम्मच चॉक पाउडर और एक चम्मच हम लेते हैं फ्रेंच पाउडर, बस इसी से हम पेस्ट बनाते हैं और यही से हम जितने भी हमने बनाया है परफेक्ट बनाया है। इम्बोज होना चाहिए और फटना नहीं चाहिए, तो हमारा इम्बोज भी हुआ है और फटा भी नहीं है, तो ये ठीक है हमारा। अब हम आप कंफ्यूजन करने के लिए इसमें हम ये चीज डाल दे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना, ओके ना। तो और कुछ क्वेश्चन उश्चन है तो आप लोग बताइए, क्योंकि हमारा एक घंटा टाइम लगभग में हो चुका है लाइव आए हुए, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इसलिए लेकर आए थे वो, ताकि चौक पाउडर और चौक मिट्टी सेम है, लेकिन यहां पे एक और आ रहा है बात कि चौक मिट्टी चौक पाउडर, है ना, ये है सेम, लेकिन ये कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि जो हम ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक से लिखते हैं उसको भी चौक बोलते हैं, है ना, बट वो बनता है किससे, पीओपी से बनता है, चूना से बनता है, लेकिन उसको भी हम चौक बोलते हैं, लेकिन है सेम, ओके। और ये है फ्रेंच पाउडर को भी ये कहीं कहीं पे बोलते हैं फ्रेंच चौक पाउडर, फ्रेंच पाउडर को, ठीक है, फ्रेंच चौक पाउडर इसको भी इस नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल व्हाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट। व्हाइट सीमेंट में वाटर मिक्स करते समय टूट गया, बता सकते हैं, अब आपको बता रहे हैं कि अब वो ज्यादा मोटा बनाइएगा, ओके, व्हाइट सीमेंट को अभी हमने बताया था इसके बारे में कि इसका मेन वर्क क्या है, ओके, मेन वर्क इसका है क्या, आप लेट ज्वाइन किए हैं तो आपको ये पता नहीं है, व्हाइट सीमेंट होता है क्या कि छोटे छोटे आर्ट को करने के लिए होता है, ज्यादा इम्बोज वाला आर्ट आप इससे नहीं कर सकते हैं, ज्यादा अगर इतना अगर मोटा अगर करते हैं, है ना, टूट जाएगा, ओके। ये होता है क्या कि अब दो वाल को हमने ऐसे जोड़ा, है ना, एक ईंट इधर है, एक ईंट इधर है, ये भी व्हाइट ईंट है, ये भी व्हाइट ईंट है, ठीक है, ओके। अगर हम इसके अंदर में अगर ब्लैक सीमेंट भरते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो कंपनी ने क्या किया कि दोनों को जोड़ने के लिए व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया और इसके बीच में लगा दिया, ठीक है। तो आप बताइए कि व्हाइट मैचिंग भी हो गया और ये मजबूती से पकड़े भी रहेगा और ये टूटेगा भी नहीं। अब आपने किए होंगे क्या, इसका मोटा पेस्ट बनाए होंगे और वो कहीं पर रखे होंगे तो वो इतना कमजोर होता है कि आप आसानी से उसको ऐसे हटाएंगे वो टूट जाएगा, है ना। तो इसका इस्तेमाल वहीं पे कीजिए जहां पे इसको आपको करना है। अब एक और इसी पे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि इसी गैप को भरने के लिए, ऊपर से लेयर करने के लिए, ओके ना, हम इस व्हाइट से ये मान लीजिए कि हमारे पास में येलो कलर का ईंट है, ब्रिक है, ओके, ये भी है येलो कलर का, बीच के अंदर में जो गैप है वो हमको जोड़ना है ना। इस व्हाइट में आप येलो स्किनर डाल करके, येलो कलर का रंग डाल करके आप येलो कलर का उसमें बना सकते हैं, डाल के उसको फिल कर सकते हैं, तो येलो ये भी और बीच वाला भी येलो आ गया, ओके। तो इस पर्पज से इसको बनाया गया है, डेकोरेटिव आइटम को ठीक करने के लिए, सजाने के लिए, जैसे हम अपने घर में जो टाइल लगाते हैं वो टाइल का अगर कलर ये ब्लू कलर है तो इसी व्हाइट सीमेंट में वो आते हैं टाइल वाले, उस ब्लू रंग डाल के उसको लगा देते हैं, हो गया पक्का। तो ऐसे काम के लिए अब इसको आप मोटे मोटे आइटम पे बनाए हैं तो ये टूटेगा ही टूटेगा, यहां तक ये आपको बता रहे हैं। इसके लिए अगर जाली का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना,
जाली पे भी, वो भी लगाते हैं तो भी टूटेगा वो, क्योंकि ये सीमेंट और वो सीमेंट में जमीन आसमान का फर्क है मजबूती के मामले में। जो ब्लैक वाला है वो ज्यादा मजबूत होता है, ये कमजोर होता है। बट यहां पे बहुत से लोग व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी को बोलते हैं क्या, इसको पानी में घोल लो, इसको उसको पन्नी में लपेट लो और एक महीना तक इसको आप यूज आप कर सकते हैं। नहीं, इसमें जैसे ही पानी डालेंगे ये अपना वर्क करना शुरू कर देगा, सूख जाएगा। ओके, तो इसको आपको उसी टाइम इस्तेमाल करना होता है, तो इससे आप डेकोरेटिव आइटम ही कर सकते हैं। हाँ, जो जो टेक्चर वाली बात है, ओके, टेक्चर दे सकते हैं इसको, इसको आप पतला करके, ठीक है, पतला करके इसको आप टेक्चर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपका वाल है ना बिल्कुल ही प्लेन होना चाहिए। जिंक पाउडर की क्या यूज होता है? जिंक पाउडर तो ये अनु जी बताएंगे, ये शायद ये डॉक्टर है, तो ये जो कुछ दांत बनाते हैं हड्डी को जोड़ने में, है ना, प्लास्टर बांधते हैं उसमें उस जिंक पाउडर का शायद इस्तेमाल होता है। ओके, ये आपको केमिस्ट के दुकान में ही मिलता है जिंक पाउडर। ओके, तो ये अनु जी भी आपको बताएंगे कि जिंक पाउडर का इस्तेमाल होता कहाँ है। ओके, और कुछ डाउट है व्हाइट सीमेंट के बारे में? हाँ, अब बात करते हैं कि वॉल पुट्टी। ओके, वॉल पुट्टी भी ठीक व्हाइट सीमेंट के ही तरह दिखता है, लेकिन इसका काम है क्या, इससे भी अगर आप ये चाहते हैं कि मोटा लेयर बनाए तो नहीं होगा। ओके, फंगस नहीं लगता हजिक से, ये सरकार जी आपकी बात नहीं समझ। स्कूल की बाउंड्री में ये कलरफुल म्यूरल में क्या यूज होता है? उसमें एनेमल पेंट का इस्तेमाल होता है, एनेमल पेंट। एनेमल पेंट आप लोग जानते हैं, आपको दिखाया, रुकिए ला के दिखाते हैं। ये जो है शारदा जी, इन्होंने एनिमल पेंट, इसमें एनिमल भी लिखा हुआ होना चाहिए ना, हाई ग्लोस एनिमल, ये देखेंगे इसमें एशियन बर्जर नेरोलक की ये कंपनी है ना। ये दिख नहीं रहा है, हिल रहा है, अब दिखेगा, हाँ अब दिखा, तो ये सब है। जिंक पाउडर से फंगस नहीं लगता है, ये सरिता जी बोल रही है, और शारदा जी बोल रहे हैं कि उसका इस्तेमाल जो है ना हम लोग फ्लावर बनाने में करते हैं, होता है उसमें। ओके, ठीक है, तो इस एनेमल पेंट का इस्तेमाल हम ज्यादातर अपने जो जो घर के जो 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 ग्रिल आता है ना उसको पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बाहर के वाल के ऊपर में ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता है, अच्छा होता है। ओके ना, और इसमें ऑयल बेस है, ये ऑयल बेस है। सर ब्लर है, तो एक बार और हम आपको दिखा देते हैं, आप लोगों नाम एनेमल ENAMEL ये नाम है। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? मूर्ति बनाने के लिए तो आपको वैसे आर्टिस्ट से आपको ये काम सीखना होगा। ओके, अभी हम ये टॉपिक लेकर आया है तो हमको अपने टॉपिक से भटकाइए नहीं, कि अब यहां से हमको मूर्ति बनाने पे लेके आप चले जाइए। आने वाले टाइम में अगर हुआ था हम मूर्ति वाला भी लेकर के वीडियो बैठेंगे, वो भी आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे, मूर्ति आप लोग देख लीजिएगा कि मूर्ति बनाते कैसे हैं, ठीक है, ठीक। और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए।
और ये जिनको भी थोड़ा मोटा होता है कहा जी, आपको बताया ना कि ये जो हमने 5-6 पाउडर मैंने आपको दिखाया है, ये सब में सबसे मोटा मार्बल पाउडर ही है। हाँ जी, सिरेमिक पाउडर भी हमने बताया। हाँ, ये बैकग्राउंड हमारा अच्छा बना है ना, ये हमने आप लोग के सामने ही मात्र में 3 घंटे में हमने बना दिया था, और बैकग्राउंड वाला रंग हमारे शर्ट से भी जम रहा है वो, क्योंकि ये रंग हमको बहुत ज्यादा ही पसंद है। आपको बताया ना कि मार्बल पाउडर में फेविकोल डाल दीजिए, अपना नाम उसको रख लीजिए, अर्चना के लिए आप उसका नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको बताया ना। तो लोग ऐसे ऐसे नाम रख के लोगों को भटका देते हैं, ठीक है। हमने भी नाम रखा है गजब के लिए, ठीक है, बट हम लोगों को ये मैंने बताया है कि इससे बनाते हैं, हमने भी बताया है, नाम रखा है गजब के लिए, मार्बल पाउडर और फेविकोल को मिक्स करके हमने ये नाम हमने रख दिया है गजब के लिए। अब बताइए, ओके, तो आप भी नाम लिख इसको बनाइए, अपना नाम इसमें लिख सकते हैं बस, बट लोगों को बताइए कि हमने इस मटेरियल को मिक्स करके हमने ये बनाया, इसका नाम हमने ये रखा है, जैसे हम बताते हैं, हम लोगों को भटकाते नहीं, हम बताते हैं कि हमने इसे बनाया है ना। अब हम आपको बोल रहे कि ये गजब कले का रेसिपी सिर्फ हमारे पास ही है, गजब मतलब गजब है, ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा, और इसमें हमने क्या क्या मिलाया है ये हम जानते हैं, हमें पता है ना। तो आप लोग को भी लगेगा कि अरे हाँ, वाकई में इनका अलग हो सकता है, और जब ज्वाइन करते हैं तो इस झूठ को छुपाने के लिए हमें करना होगा क्या, कि अब इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें थोड़ा सा एक चम्मच चौक मिट्टी डाल दीजिए, एक चम्मच फ्रेंच पाउडर डाल दीजिए, एक चम्मच ये डाल दीजिए। अब वाकई में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ, हो सकता है इसको डालने से ये अलग बनता हो, तो ये सब बेवकूफी वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने इसके लिए कई दफा वीडियो बनाया है, एक ही वीडियो नहीं है, है ना, और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। हाँ स्वाति जी, मार्बल पाउडर और फेविकोल को मिक्स करके आप 10 दिन 15 दिन महीना आराम से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसमें हवा नहीं लगना चाहिए, बस गजब के लिए। हाँ, हमने बताया था ना, उसी क्ले से हमने बहुत से आर्ट हमने बनाया है, वो बन जाता ही है भूल भुलैया पाउडर। मार्बल मूर्ति की कटिंग इटी से, हाँ रितु जी, हमने बताया ना कि मार्बल जो पाउडर है ना, मार्बल जो टाइल होता है उसकी जब होती है कटिंग होती है ना, उसी से पाउडर जो निकलता है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात कि इसमें ये बिल्कुल व्हाइट है, वो कभी कभी मार्बल ये जो टाइल होता है ना उसमें आप देखते हैं कि उसमें हल्का सा ब्लैकनेस होता है, येलो टोन होता है, जो हम देख ही रहे हैं कि कहां पे कोई टाइल दिख जाए, है ना, तो उसको काटते टाइम में भी वो ब्लैक वाला भी उसमें पाउडर आ जाता है। तो जब आप बनाते हैं ना तो वो आपका वर्क है ना थोड़ा सा ग्रे में आ जाता है, येलोनेस में आ जाता है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, पेंट तो करना ही है, आपको पेंट करना ही है बस। जो मूर्ति वाली बात है ना, मूर्ति लोग ज्यादा बनाते नहीं है, है ना, हर जगह का बनता नहीं है, बट जो है जो टाइल है ना वो हर जगह होता है काम उसका, ये कहां पे, राजस्थान में, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े कारखाना है ना, तो वहां पे बनता है, उसी को सीमेंट की बोरी में भर करके। और यहां तक आपको बता रहे हैं, मार्बल पाउडर को लोगों ने बोरी में लाए, उसको ऐसे ये पैकेट में भर दिया, उसको अपना नाम लिख दिया एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज, है ना, मार्बल पाउडर 150 रुपए पर केजी, है ना, ये हमारा हो गया ब्रांड, 150 रुपए पर केजी, 200 रुपए पर केजी, 500 पर केजी, जो मुश्किल से 10 रुपए केजी आता है, ओके,
तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन में अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो पाउडर लाइए, उसको भरिए और उसमें अपना नाम लिख दीजिए। हाँ, घर पे जो मार्बल पाउडर लगता है ना, जो घिसाई करने वाला आता है ना आदमी, जो घूम घूम के उसको घिसता है, वही मार्बल पाउडर है। ओके, वही मार्बल पाउडर है। और उस मार्बल पाउडर से भी हमने बहुत से लोगों को ये मैंने ट्री ऑफ लाइफ में बनवा दिया है। उन्होंने बताया कि सर ये नहीं मिल रहा है, बट हमारे जो पड़ोसी है ना उनके मकान में घिसाई का काम चल रहा है, वो यूज कर ले। हमने कहा कि आप उसको कर सकते हैं। उन्होंने वही लेकर के उसको सुखा करके छान के उसको बना डाले, वही मार्बल पाउडर है। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोल दे कि उसको पहले मार्बल को लाते हैं, उसको हम पिसवाते हैं, है ना, तो ये सब गलत बातें हैं। अगर मार्बल पाउडर लेकर आइए, उसको पिसवाने के लिए जाइए, कोई भी चक्की वाला तैयार नहीं होगा, है ना, बिल्कुल ही तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा कि अरे इसको हम घिसेंगे तो हमारा आटा है ना सब खराब हो जाएगा, है ना। यहां तक कि आपको याद होगा कि आज से 10 साल 20 साल पहले घर में ये शादी ब्याह होता था तो लोग मसाला पिसवाने के लिए जाते थे, है ना, ज्यादा मात्रा में। इतना महंगा मार्बल पाउडर, ये तो गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। हमारा मानना है कि अगर आपने इसको मार्केट से 10 रुपया में लिया है तो इसको 20 रुपये में बेच दीजिए, 25 में बेच दीजिए, 30 में बेच दीजिए, इतना तक ठीक है। लेकिन इसी के अगर अगर आप 200 रुपये ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ओके, तो वो जब मसाला हम लोग पिसवाने के लिए जाते थे तो जो चक्की वाला उससे ज्यादा पैसा लेता था हमसे। वजह ये कि भाई ऐसा है, मसाला पीसने के बाद वो चक्की को धोना पड़ता है, है ना, धोना पड़ता है। आ ये मार्बल पाउडर लेके जाइए ना, वो कहेगा कि नहीं पीसेंगे, अगर 1000 रुपया भी देंगे तो भी नहीं पीसेगा। और ये ऑलरेडी पतला ही आता है। हाँ, अगर ये कहीं पे ये जो है सन एंड मून बत्ती पल्ली, आपका ओरिजिनल नाम क्या है आप बताइए, ये आपके ये पेज का नाम है, थोड़ा सा आपका नाम भी हम जान ले। आप हमारा लाइव हमेशा अटेंड ये करते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि आपका रियल नाम क्या है, है ना। मार्बल पाउडर लेने के लिए जाते हैं तो आपको करना है क्या कि लेने से पहले, सुमन जी, लेने से पहले एक बार बोरी को चुटकी भर लेकर के चेक करना है, आटे की तरह है ले लीजिए, अगर आटा से मोटा है नहीं लेना है, इसमें भी एक मोटा भी आता है, ओके, वो नहीं लेना है। और इसको एक और बात हम आपको बता रहे हैं, इसको आपको चालने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी मार्बल पाउडर लेकर आता हूं उसको मैं चालता नहीं हूं, इसको मैं डायरेक्ट मैं बोरी से निकालता हूं और उसको यूज करता हूं, या आप लोगों को चाहिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। सर मार्बल पाउडर मार्बल और टाइल का जो दुकान होता है ना वहीं पे मिलेगा ये, ओके, मार्बल और टाइल की जहां दुकान होती है वहीं पे आपको मिलेगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए 9891338339 पे, हम आपको एड्रेस बता देंगे, जाके आप वहां से ले आइएगा। बहुत से लोगों को मैंने फायदा पहुंचाया जो हमसे ऑनलाइन में नंबर लेकर के जाकर के ले आए हैं और उन्होंने हमको थैंक यू भी बोले हैं। बेंगलोर में कहां मिलता है ये हमको पता नहीं है। आपके मार्बल पाउडर की बोरी चाहिए ज्योति जी, अब बोरी मैं कैसे आपको भेजू, आपको कोरियर चार्ज भी आपको ढेर महंगा लग जाता है। ये कोरियर चार्ज आपको बता रहा है 80 रुपए 90 रुपए पर केजी के भाव से लगता है, ओके, तो यहां पे ये दिक्कत है। अगर हम आपको अगर 25 के भाव से भी देते हैं तो उसकी कोरियर चार्ज आपको ज्यादा लग जाता है, वो फिर आप बोलेंगे कि हाय इतना महंगा। जयपुर में हमको पता नहीं है कि कहां मिलता है, बट ये सब माल जयपुर से ही आता है। दिल्ली से है तो आपको एक आध जगह का नाम आपको बता देंगे, जाइए और ले आइए और हमको थैंक यू आप ये बोल दीजिएगा कि हमको मिल गया है। ठीक है,
यू आर फ्रॉम विच एरिया, मैं उत्तम नगर हूं, ये दिल्ली में एक उत्तम नगर जगह है, मैं वहीं से हूं, एयरपोर्ट के पास में ही है, ओके ओके ना। तो आज हमने आप लोग के लिए जितने भी जो पाउडर है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। सर मैंने मारो पाउडर लिया वो टेलीकॉम पाउडर की तरह था, हाँ वो फिर मार्बल पाउडर नहीं है वो, ओके वो मार्बल पाउडर नहीं है, हमने आपको बताया ना आटे की तरह है, उससे बारीक आता नहीं है, इसीलिए ये जितने भी पाउडर है सबके बारे में आपको मैंने जानकारी दिया है। अगर आप लोग आर्ट अगर करते हैं ना, ये वीडियो को अगर टोटल ध्यान से देखेंगे एक घंटा लगा करके, है ना, तो आप विजेता जी आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए तो मैं आपको एड्रेस आपको बता दूंगा, है ना, एक व्हाट्सएप पे तो मैसेज डाल दीजिए कि आई एम विजेता, है ना, तो हम आपको बता देंगे। आप गूगल में टाइप कीजिए मार्बल पाउडर बंगलोर, पूरा एड्रेस और लोकेशन मिल जाएगा। बेंगलोर के बारे में हमको पता नहीं है, ओके जहां के बारे में पता हो उसी के बारे में आपको बताइए, ओके। तो चलिए फिर, ज्यादा आप लोग का हमने टाइम ले लिया बट हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छा लेकर आए हैं, और जिनको भी ये क्लास ज्वाइन करना है हमारा हाइपर इलास्टिक रिपोर्टेड का, तो आज इसका आखिरी डेट है, आज फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ये आपको हाइपर इलास्टिक की स्केचिंग की जो क्लास है, अगर आप लोग स्केचिंग बनाते हैं पेंटिंग बनाते हैं और उसमें आपको मजा नहीं आता है ना, ओके, तो आप ये क्लास ज्वाइन करके आप अपने स्केच को सुंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में टोटल इंफॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं टोटल इंफॉर्मेशन, इसकी जो इसको बनाते कैसे हैं, शेडिंग कैसे देते हैं, कौन सा मटेरियल लगेगा, ये टोटल इंफॉर्मेशन हम आपको इस वाले क्लास में देने वाले हैं, और ये क्लास हमारा लंबा चलेगा, एक दो दिन का क्लास नहीं है, दो तीन महीना तो मान के चलिए, ठीक है ना, इतना टाइम इसको करने में टाइम लगेगा, बट आप लोग को ये क्लास अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आपको आर्ट का शौक है, स्केचिंग बनाते हैं अच्छा नहीं बनता है ना, तो उसमें ये वाला आर्ट आप लोग को काफी फायदे वाला सौदा रहेगा। वन टाइम ही आपको फीस पे करना है, और तीन चार महीना जो भी टाइम लगे आपको उसी में आपको सिखाया जाएगा। ये देखिए, ये हमारे एडमिन जी बता रही हैं, ये एडमिन कौन है, शारदा जी हैं। यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन यू आर गेट इन इब्राहिम स्टोर इन कमर्शियल स्ट्रीट, तो ये इन्होंने वहां से लिए होंगे तो ये बता रही हैं, और ये भी शायद वहीं से हैं तो इसलिए आपको बता रही है, तो इनको फॉलो कीजिए और वहां से ले आइए, ठीक है, आपको दिल्ली से भी ऑर्डर आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, वहीं से वहीं मंगवा लीजिए, आपको सस्ता पड़ जाएगा, है ना, जाके ले आइए, ओके। तो बाय बाय, और कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। इसमें और कोई, इसमें आपको यही चीज बनाना है, बट ये बनाने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार क्या मैंने ये अच्छा जी बना दिया, अमिताभ बच्चन में हमने बना दिया है ना, तो आप आने वाले टाइम में अपने हिसाब से अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं, ये किसी का भी, ओके। भाटिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा हूं, इसलिए अभी मैं लाइव आ गया हूं, बट वही बात है कि कभी मैं ठीक रहता हूं कभी नहीं रहता हूं, मुझे मम्मी पापा की बनानी है तो पहले इनका बना लीजिए, उसके बाद आप मम्मी पापा के बनाइए, अपना बनाइए, भाई का बनाइए, है ना, और ये किसी को गिफ्ट अगर करना है उनके ऊपर भी आप बनाइए। सर मोल्डेड क्ले के ऊपर कोई कलर ठीक से नहीं लग रहा है सर, हाँ नहीं लग रहा है ना,
तो उसके ऊपर में आप इमल्शन पेंट भी उसके ऊपर में आप एक बार उसको मार सकते हैं, उसके बाद आप अगर करेंगे तो हो जाएगा। अब मोल्डिंग पे वैसे भी एक बार में चलता नहीं है, एक बार दो बार तीन बार आपको पेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जिनको भी हमारा क्लास ज्वाइन करना है हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अब हमें उधर से जाके बंद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आज हम बैक वाला कैमरा से लाइव आए हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय।